हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम जाएंगे अडाजन के वहाँ पे गणपति देखेंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर, और मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ के बेस्ट जो गणपति हैं वो। आप भी चाहो तो जाके देख सकते हो वहाँ पर। ये फर्स्ट हम आ गए हैं गार्डन ग्रुप के गणपति देखने। ये भी काफ़ी बड़ी एरिया में बनाए हुए, काफ़ी बड़ा पंडाल था। ये आर्मी के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर है। आप भी देख जाओ तो जाके वहाँ खुद जाके भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लास्ट में आप भूल जाते हो इसलिए पहले ही कर लेना। जो यहाँ के DSP थे वो भी देखने आए थे पंडाल को, काफ़ी सुंदर गणपति जी। ये देखो टेक्नोलॉजी, मेट्रो के बारे में बताया गया है, सोलर पैनल के बारे में सब अच्छे से बताया गया है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था, मेहनत की थी, बहुत बढ़िया बनाया हुआ था। और आगे चलते हैं। ये मेन जो था वो रण उत्सव के बारे में था। यहाँ पे जैसे वहाँ पे होटल्स वगैरह राउंड में बने हुए रहते हैं टेंट, वो है गणपति बप्पा है। इस साइड में सब ऊँट वगैरह है, सब उसी तरह का गांव का नेचर का थीम बनाया हुआ था। यहाँ काफ़ी सुंदर लग रहा था। और अब चलेंगे नेक्स्ट गणपति बप्पा देखने। ये हम आगे जा रहे हैं LP सवानी रोड के ऊपर। यही रास्ते में हमको दिख गई थी तो हमने एक कुल्फ़ी खाई थी। टोयोटा के शोरूम के सामने की साइड में ही है, LP सवानी रोड के ऊपर, A1 कोको के बाजू में ही है। काफ़ी बढ़िया रबड़ी कुल्फी थी, सिर्फ 60 रुपीज़ ली और काफ़ी अच्छी थी। आप चाहो तो वहाँ ट्राई कर सकते हो। चलिए चलते हैं। अब आ गए हम परशुराम गार्डन के बाजू में। सूरत के राजा ये नाम से फेमस है, काफ़ी सुंदर, देख सकते हो आप। लाइटिंग काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये गणपति जी। यहाँ एंट्री है ये, और यहाँ से हम आगे जाएंगे। बहुत ही सुंदर, जैसे आसमान में हम हैं वैसे यूनिकॉर्न बनाया हुआ था, ये भी क्रिस्टल का। और जैसे आसमान में बादल वगैरह होते उसी टाइप का ये नेचर का थीम बनाया हुआ था। ये आप देख सकते हो बप्पा को, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये सब आप बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। और चाहो आप वहाँ, यहाँ सूरत में हो तो आप चाहो तो आप भी जाके वहाँ देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है गणपति बप्पा। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग देखने आए हुए थे, देख सकते हो आप, बहुत ही लोग। हम लोग आए थे तब तो इतने नहीं थे, बाद में काफ़ी भीड़ हो गई थी। ये आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर पंडाल है, और बड़ा भी है, काफ़ी बड़ा पंडाल था और सुंदर भी था। ये है LP सवानी रोड के ऊपर, यूनिवर्सल बिजनेस सेंटर है, उसके सामने एग्जिट है। ये देख सकते हो ये भी काफ़ी LED स्क्रीन वाले गणपति बप्पा थे। यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था, और ये सामने पीछे LED स्क्रीन है, इसमें चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ अलग अलग थीम लगाते हैं ये लोग। ये भी काफ़ी अच्छे थे। ये क्या पास में है तो आप आराम से एक साथ में फटाफट देख सकते हो बहुत सारे। और ये सारे ही बहुत बढ़िया हैं, जो बप्पा मैंने आपको पंडाल दिखाए हैं बप्पा के, वो सारे ही बहुत बढ़िया हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पंडाल पे। ये भी स्वर्ग ग्रुप का है, ये भी उसी रोड पे है, पर ये लेफ्ट साइड में आएगा, वो राइट साइड में। और ये देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ था, और इतना अच्छा लग रहा था। ये बहुत ही अच्छी थीम थी, बप्पा की मूर्ति थोड़ी छोटी है, बाकी काफ़ी अच्छी थीम थी और काफ़ी सुंदर लग रहा था वहाँ पर, जैसे रियल में अपन कोई स्वर्ग में पहुँच गए, इतने बढ़िया डेकोरेशन था वो। ये नेक्स्ट, ये परशुराम गार्डन के पहले ही आ जाता है। ये भी काफ़ी बढ़िया थीम था इनका भी, ये भी जैसे सिटीज़ के बारे में बताया गया है, भाई कैसे सब चीज़ें अपन कट कर रहे हैं, ट्री वगैरह सब ज़्यादा कट कर रहे हो और कर रहे हो तो नेचर पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया गया है इसमें। ये भी काफ़ी बढ़िया और बड़ा पंडाल था। और मेन पंडाल के अंदर सूरत सिटी के बारे में बताया गया है, फ्लाईओवर ब्रिज है, डायमंड सिटी है, ये देखिए अशोक स्तंभ के साथ में गणपति बप्पा। और ये नेक्स्ट हम आए थे वहीं गार्डन ग्रुप के बाजू में है, ये भी काफ़ी बढ़िया अखंड भारत की मूर्ति ऐसे करके काफ़ी सुंदर बनाया था।
आप भी चाहो तो जाके देख सकते हो इन सब पंडालों में गणपति बप्पा। और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।